आरआरआर के बारे में किस तरह का कमेंट किया अभिनेता जूनियर एनटीआर ने? 15 अगस्त को क्या खास करने जा रही है आरआरआर की टीम? नॉर्थ साउथ की किस रेस में भाग लेगी फिल्म आरआरआर? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। एएस फिल्म निर्माता एसएस राजमौली अपनी फिल्मों के अपडेट से सभी को लुभाने में कभी असफल नहीं हुए हैं। हाल ही में निर्देशक ने अपनी आगामी फिल्म आरआरआर के कलाकारों के साथ यानी कि रामचरण जूनियर, एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन सहित नेटिजेंस का बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने 5 अलग अलग भाषाओं में कोविड-19 वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाई है। दोस्तों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कई लोगों ने उनके ईमानदार प्रयास की सराहना की है। दूसरी ओर कुछ अति उत्साही प्रशंसकों को भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आरआरआर के अगले अपडेट के बारे में सेलेब से पूछताछ करते देखा गया, जिस पर टीम ने फिलहाल कोई रिप्लाई करना बेहतर नहीं समझा। खैर अब दोस्तों, जिस बात ने नेटिजन्स का सबसे ज्यादा ध्यान भटकाया है वो है सोशल मीडिया पर चल रही नई अफवाहें। आश्चर्य है कि ये क्या है। जाहिर है टीम वर्तमान में आरआरआर के एक बड़े अपडेट पर काम कर रही है, जो भारत की 75th स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2021 के अवसर पर जारी किया जाएगा। हालांकि कंटेंट के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब वह है कि रामचरण जूनियर एनटीआर स्टार का साथ में विशेष टीजर इस दिन रिलीज हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्य अभिनेता जूनियर एनटीआर का 38वां जन्मदिन सिर्फ एक सप्ताह दूर है और इसके लिए संभावित टीजर रिलीज से पहले एक और बड़े अपडेट की उम्मीद के साथ जारी किया जा सकता है। 1920 के पूर्व स्वतंत्र भारत की पृष्ठभूमि में सेट आरआरआर दो महान स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की कहानी बताएगी, जिन्हें रामचरण और जूनियर एनटीआर द्वारा निभाया जाएगा। आरआरआर वर्तमान में 13 अक्टूबर 2021 को 5 भाषाओं में यानी कि तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली है। अब दोस्तों महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए बहुत सारे फिल्म निर्माता और वितरक इस बात पर पुनर्विचार कर रहे हैं कि क्या एक थिएट्रिकल रिलीज का इंतजार करना है या एक ओटीटी रिलीज का विकल्प चुनना है। ऐसी अटकलें हैं कि आरआरआर कई दक्षिण फिल्मों की तरह ओटीटी रिलीज का विकल्प चुन सकती है, लेकिन ऐसी सभी अफवाहों को खारिज करते हुए जूनियर एनटीआर ने कहा कि निर्माता अभी भी एक थियोरेटिकल रिलीज के लिए ही तैयार हैं। आरआरआर में भीम की भूमिका निभाने वाले जूनियर एनटीआर ने बताया दोस्तों कि आरआरआर को कभी भी ओटीटी रिलीज के लिए नहीं मनाया गया था। कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर एक समुदाय के रूप में आनंद लेने की आवश्यकता है। क्या आप ओटीटी पर बाहुबली या जुरासिक पार्क या एवेंजर्स देखने का आनंद ले सकते हैं? नहीं, हमने ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हम सिनेमा घरों की प्रतीक्षा करने को तैयार थे। हमारे पास आशा की एक किरण है। हम जानते हैं कि लोग फिल्में देखने के लिए वापस आएंगे। फिल्म इंडस्ट्री भारत का एक अभिन्न अंग है। हम दर्शकों के उत्साह को बहुत गंभीरता से लेते हैं। आरआरआर एक ऐसी ही फिल्म है। दोस्तों इसके अलावा जूनियर एनटीआर यानी तारक का मानना है कि आरआरआर के पैमाने कलाकारों और कहानी में दर्शकों को और सिनेप्रियो को सिनेमाघरों तक वापस लाने की शक्ति है। उनका मानना है कि बाहुबली की तरह एसएस राजमौली की आरआरआर एक बड़ी हिट में बदल सकती है। अब दोस्तों तारक ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म को बड़े पर्दे के अनुभव के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें कोई एक्शन सीक्वेंस है जो दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल होंगे। अभिनेता ने आरआरआर के हर एक्शन सीक्वेंस को दर्शकों की वाह लूटने और उन्हें अपनी सीट पर खड़ा कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों आरआरआर को एक पीरियड ड्रामा कहा जा रहा है और ये तो वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के काल्पनिक कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है। जनता के राज अभिनेता आदिवासी नेता की भूमिका निभाएंगे, जबकि रामचरण सीताराम राजू की भूमिका निभाते नजर आएंगे। धारणा के विपरीत ये देशभक्ति की कहानी नहीं है और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम के इर्द गिर्द घूमता है। तो दोस्तों फिल्म की फॉरेनर अभिनेत्री डेजी एडगर जॉन्स को फिल्म का हिस्सा बनना था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्हें फिल्म को छोड़ना पड़ा। इस बीच तारक वर्क फ्रंट पर काफी व्यस्त नजर आए। बड़े पैमाने पर आरआरआर को लपेटने के बाद एक फिल्म के लिए कुरातला शिवा के साथ मिलकर वो काम करेंगे। फिल्म को एक राजनीतिक ड्रामा बताया जा रहा है और इसमें उन्हें एक नए अवतार में दिखाया जा सकता है। अब दोस्तों जूनियर एनटीआर को त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ भी काम करना था, लेकिन रचनात्मक
मतभेदों के कारण ऐसा नहीं हो सका। बिजनेस एलिमेंट्स के साथ एक पैन इंडिया फिल्म के तौर पर उनके पास केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील की भी एक फिल्म है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म निर्माता केजीएफ चैप्टर 2 और प्रभास स्टार सलार को पूरा करने के बाद ही इसकी शूटिंग शुरू करेंगे। अब दोस्तों ऐसी चर्चा भी है कि दक्षिण के स्टार अभिनेत्रियों में से एक कियारा आडवाणी आरआरआर अभिनेता के साथ अनटाइटल्ड फिल्म में रोमांस करने जा रही हैं। कुरातला के साथ स्टार डीवा की ये दूसरी फिल्म होगी जिन्होंने उन्हें महेश बाबू की भारत आने नेनू में कास्ट किया था। तो दोस्तों ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज होगी। कियारा को गुड न्यूज जैसी हिंदी फिल्मों के लिए जाना जाता है। इसी तरह आने वाले महीनों में आपको विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर में अनन्या पांडे के साथ, जबकि आलिया भट्ट और अजय देवगन रामचरण और जूनियर एनटीआर के साथ आरआरआर में दिखाई देंगे। प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान आदि पुरुष में सह कलाकार हैं और प्रभास एक अनाम फिल्म में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण के साथ काम करने वाले हैं। यानी नॉर्थ और साउथ की इन जोड़ियों में एक बार फिर रेस होने वाली है। अब आप कौन सी फिल्म को सपोर्ट करने वाले हैं हमें जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी आज की राइटर है सिम।